पे क्यों बैठे हो बेटा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और आज का वीडियो होने वाला है दिवाली के पहले की प्रिपरेशन। अब इस बार मालूम है क्या हुआ कि दिवाली के बाद तक मैंने प्रिपरेशन की है, क्योंकि पार्सल्स लेट हो गए कोरोना की वजह से और दिवाली की वजह से। तो बस अभी सारी चीज़ें लगा रही हूँ। देखिए, जैसे कि ये बालकनी में ये सब चीज़ें लग रही हैं और बहुत ही प्यारा लगने वाला है। एंट्रेंस में मैंने पोताई करवा दी है, तो सब चीज़ें हैंग करूंगी और बाद तक की प्रिपरेशन और स्पेशली जो लाइट्स में लगवाऊंगी ना घर पे, वो सारी आप सभी से शेयर करूंगी। तो अभी देखिए ये बालकनी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर है ना लाइट, मतलब धूप कम आती है, लाइट भी कम ही रहती है। तो यहाँ वो वाले मैं प्लांट्स रखती हूँ जिनको कम लाइट या कम धूप चाहिए रहती है। और इस बालकनी में मैं फेक प्लांट्स भी रखती हूँ ताकि थोड़ी सुंदर भी दिखे। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और वहाँ मैं आपको ले जाती हूँ। कुछ कुछ लाइटिंग्स का काम भी होना है, तो सबसे पहले एंट्रेंस का काम निपटा लें, फिर आगे का काम करेंगे। एक बात तो है फ्रेंड्स कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा घर फैलता है, इतने सारे काम होते हैं कि आखिरी टाइम तक काम ख़त्म नहीं होते हैं। और कितना भी डेकोरेशन कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो इस बार की दिवाली मेरी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाली रही, स्पेशली लाइट। जितनी भी चीज़ें मैं लगा रही हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नाइट व्यू भी दूंगी कि रात में कैसा लगता है घर, सारी लाइटिंग्स लगने के बाद घर कैसा लगा। तो ये जो वीडियो है इसको आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो अभी ये बालकनी का व्यू आपको दिखा रही हूँ, ये लिविंग रूम की, बेडरूम की और मेरे किचन की बालकनी, सब बहुत ही अच्छे से सारी जगह लाइटिंग्स हो गई, लग गई हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। और अब चलते हैं, थोड़ा सा DIY कर लेते हैं। तो ये जो स्टूल आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी ख़राब हो गया है स्टूल। तो मैंने क्या करा कि मैं कुशन्स लेकर आई और ये दोनों कुशन को मैंने जुड़वा दिया, क्योंकि फ़र तो काफ़ी महंगा था। और इसके बीच में मैंने एक गलीचा जो होता है ना, जिसको हम मतलब कॉटन का था, तो वो मैंने अंदर इसको डाल दिया और ऊपर से डाल दिया ये फ़र वाला कुशन कवर। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया है और आसपास से चेन है, एक तरफ से चेन बंद कर दी और सारा अंदर डाल के दूसरी तरफ से भी चेन लगा दी। तो इसमें मैं रुई भी डाल सकती हूँ, बट इसको मैंने ऐसे ही रहन दिया और बन गया ये फर्स्ट क्लास इसका कवर। मतलब कम खर्च में कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ हो जाना, तो वो ही मैंने ये किया और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, छोटी सी चीज़ यानी कि छोटा सा बदलाव, चेंज जो होता है ना, वो घर में कितना ज़्यादा चेंज ला देता है, बहुत ही अलग इम्पैक्ट आता है। मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाती हूँ, यानी कि दूसरे तरफ से कैमरा करके दिखाती हूँ। और यहाँ से देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए आप, ये दोनों कर्टन्स जो हैं वो मैंने पिछली बार आप सभी से शेयर किए हैं, ये हैं कस्टमाइज कर्टन्स जो मैंने करवाए हैं DIY। और ये जो यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, वो देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, पूरा ही चेंज हो गया ये लुक छोटी सी एक चीज़ से। अब चलते हैं दूसरी तरफ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं दिखा देती हूँ छोटे छोटे मैंने क्या चेंज करे हैं। सो लास्ट वीडियो में लव साइन दिखाया था, वो मैंने लगाया अपने रूम में, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, TV के ऊपर लगा हुआ है। और चलिए अब करते हैं पूजा की तैयारी। तैयार नहीं हुई हूँ।
पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषेमते पथिनाम्। सो फ्रेंड्स, 3-4 दिन का मैं आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ, 3-4 तो नहीं, हाँ पर 3 दिन का। और श्रिया को अभी मैंने दिया हुआ है ये काम, उसको पूरी ये जो किरण है वो निकाल ली है इस कपड़े में से, तो वो अभी ये काम करेगी जब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। और वैसे तो अभी इलेक्ट्रिशियन लगे हुए हैं, तो मैंने श्रिया को बोला कि जब तक तुम अपना ये काम कर दो, और फिर वो मेरी हेल्प भी करवाएगी, बहुत सारे काम हैं। और दिवाली के बाद तक भी जैसे कि आपको मैंने बताया काम चलते रहे हैं, तो बस अभी इलेक्ट्रिशियन भैया जो हैं वो सारी चीज़ें फिट कर रहे हैं, सारे लाइट्स फिट कर रहे हैं, और ये लाइट्स बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो अभी मैं श्रिया के रूम में आपको लेकर आई हूँ, यहाँ पर उसका एक प्लग पॉइंट लगवाना था जो कि इसको लैंप वगैरह या चार्जिंग के लिए चाहिए रहता है, तो वो यहाँ पर लगाएंगे ड्रेसर के पीछे और ऐसे ही फॉयर एरिया में भी। एंड फ्रेंड्स, वो सारे लैंप्स लग गए हैं इस साइड भी और ये साइड भी, बट अभी उसमें बल्ब नहीं है क्योंकि बल्ब इनके साथ नहीं आते हैं, ब्रेक होने का डर होता है। तो अब बीच वाला यानी कि ये जो शैंडेलियर आप देख रहे हैं, इसको मैं चेंज कराऊंगी। अराउंड 7 ईयर से ये लगे हुए हैं, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा दूसरा डिज़ाइन का लगवाने वाली हूँ, और वो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और लगवाने के बाद आप बताइएगा कि कितना अच्छा आपको लगा। तो अभी आप देख लीजिए, ये है बिफोर पिक्चर, यानी कि अभी ये ऐसा दिख रहा है, ये भी अच्छा लगता है जलाने पर, लेकिन अब इसकी जगह पे दूसरा लगाया जाएगा। एंड इस साइड पे यानी कि ये है फॉयर एरिया, और यहाँ पर रहते हैं मेरे शू रैक वगैरह और फ्लावर वास, सो ये सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं। सो यहाँ पर मैं ये वाला लाइट जलाती हूँ, बट मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लाइट लगवाऊँ जो कि हैंग हो, पेंडेंट लाइट टाइप, तो वो मैं यहाँ लगवाने वाली हूँ। तो यहाँ जो एक ऑरा आएगा, मतलब यहाँ जो लाइटिंग लगेगी ना, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। दूर से मैं बताती हूँ कैसे। सो देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर साइड रहता है ना ये, तो अभी यहाँ पर लाइट लगी हुई है और यहाँ बीच में मैं लगवाऊंगी पेंडेंट लाइट। सो लगवाने के बाद कैसा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। और श्रिया देखिए क्या कर रही है। श्रिया यहाँ पे क्यों बैठे हो बेटा? मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये टैबलेट मेरा चार्ज हो रहा है, इसकी बैटरी बहुत लो थी एक्चुअली में, सो मुझे अपना वर्क भी कंप्लीट करना है इसमें से देख देख के। और सब लोग पूछते हैं ना कि टैबलेट क्यों यूज करती है, क्या है, तो इस टैबलेट में जो सैमसंग का है, स्कूल का होमवर्क आता है क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ। तो वो होमवर्क यूँ इस तरीके से आता है, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, हाँ हिंदी का है, और ये वो लिख रही है अभी अपनी कॉपी में। हाँ। तो और जब मैं 11th क्लास में आ जाऊंगी तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं खुद का आईफोन और आईपैड खरीदूंगी 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में तो बच्चों को अलाउड रहता है ना मम्मी। हाँ, लेकिन देखते हैं अगर बजट बैठेगा तो, नहीं तो फिर जो भी नॉर्मल सा होगा वो दिलाएंगे। हाँ। है ना, वैसे मेरी विश है हमेशा से कि मैं अपना सबसे पहला फोन जो लूंगी वो आईफोन लूंगी। लेकिन पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। नहीं तो तुमको, तुम ऐसा बोलोगी तो तुम्हें देखकर सब लोग बोलेंगे हमें भी चाहिए, वो भी अपने पेरेंट्स से जिद करेंगे। दैट इज नॉट गुड थिंग। नहीं करना फ्रेंड्स। हाँ, श्रिया हमसे एक बार बोलेगी, अगर हम दिला पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 11th क्लास में भी बहुत टाइम है। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, कल तो बहुत सारी तैयारियां की लेकिन आज फिर से पूरा घर फैल गया क्योंकि सारी लाइटिंग्स वगैरह लगवाने में टाइम लगा, पार्सल्स भी दिवाली के कारण थोड़े आगे पीछे हो गए, तो आज सारी लाइटिंग्स जो हैं वो लग गई हैं और सबके मैं आपको शॉट दूंगी। सबसे पहले दिखाती हूँ पूरे घर का जो एक व्यू है कि घर की क्या
हालत हुई है क्या, फैला है घर, तो जल्दी से वो सीन आपको दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, सारे काम हो गए हैं और ये पुराना वाला जो झूमर है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पुराना वाला झूमर है ये निकल गया है। और इस पूरे रूम की क्या हालत हो रही है ये आप देखिए। और इतना ही काफ़ी नहीं है, पूरी डस्ट हो रही है, ये सब वेल्डिंग, वेल्डिंग नहीं क्या बोलेंगे, ड्रिल, ड्रिल करवाया है पूरा, तो सारा ड्रिल वाला कचरा, पूरा सोफा उधर है, उसके ऊपर भी सामान है। ये देखिए, ये सब मुझे अभी साफ़ करना है। पियानो पे भी आ गई है डस्ट। ये सब कुछ मैंने ढक इसलिए दिया था, नहीं तो सब गंदा हो जाता। और ये बहुत लंबा काम फैला है, इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर देखिए इस टाइप से ये लाइट्स लग गई हैं, बहुत ही प्यारी प्रिटी लाइट्स लग गई हैं। यहाँ पर एक बॉल जो लगी थी वो लगाना बाकी है अभी। सो अब इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट आई हूँ, मैं गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, वहाँ पर हमको डिनर पे बुलाया था। सो सुबह से लेके दोपहर तक जो है वो काम किया घर का, बहुत सारी तैयारियाँ की, और फिर दोपहर से शाम तक के लिए, शाम क्या बोलेंगे, रात तक ही हो गई थी, 8 बजे तक पूरी हम लोगों ने लाइटिंग्स जो हैं वो सारी लगवाई। हाँ, विदाउट फेल फ्रेंड्स, आप लोग होम टूर जो दिवाली का रहेगा 2020 वो ज़रूर देखिएगा, और उसमें आपको मेरे पूरे घर का जो टूर है दिवाली पे मेरा घर कैसा लगा वो आपको देखने मिलेगा। और श्रिया, और श्रिया और हम लोग सब आ गए हैं, और श्रिया ने और श्रिया ने चेंज कर लिया है। हाँ, अच्छा, मम्मी आप तब नहीं है जब मैं चेंज कर कुछ भी। तो हम लोग जो है सब मिलके सफाई करेंगे। आप कल सुबह करूंगी, अभी रात में तो पॉसिबल नहीं है। yes. क्योंकि अभी 11 बज रहा है, अभी तो 11 बज रहा है, और आप लोग सोचेंगे मैं सोई क्यों नहीं हूं, इसलिए क्योंकि हम लोग लेट आए। सो केदार भी और श्रिया भी मेरी हेल्प कराएंगे, क्योंकि घर की हालत देख, ये देखिए आप, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं दिखाना। सो ये है वो सारे कार्टन्स जिसमें से सारा सामान निकला है, और ये सारी बेडशीट्स जो बुलबुल की हैं, और ये इसका हॉल जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा हॉल आने वाला है सारी बेडशीट्स का, तो वो ज़रूर आप चेक करिएगा, मेरे सारे वीडियोस चेक करा करिए, तभी तो मज़ा आएगा ना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं करा करिए कि यही वाला हम वीडियो देखेंगे। और ये देखिए सारे जितने भी डब्बे हैं इन सबको मैं फेंकूँगी, कुछ एक आध शायद मुझे रखना पड़े पुराने वाले शैंडेलियर को रखने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरा चैनल बिना क्लीनिंग के कैसे पूरा हो सकता है, तो बस क्लीनिंग कर रही हूँ और वो भी आप सभी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वेट करते हैं कि मेरा क्लीनिंग वीडियो कब आएगा। तो छोटा सा क्लिप ही सही, लेकिन आप सभी से शेयर ज़रूर करूँगी। सारी गंदगी साफ़ करनी है, क्योंकि कल मैंने पूरा अच्छे से कर दिया था, बट आज मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया ताकि मेरे सारे जो फिटिंग्स हैं वो लग पाएँ घर में। और होता है ना, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन से लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि उसके पहले ही करवा लूं, और सारी चीज़ें हो गई हैं, बस सब क्लीन करके और फाइनल। और फाइनल लुक ये रहा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लगेगा डेफिनेटली आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।